हेलो दोस्तों नमस्ते, मैं माँ काली वास्तु ज्योतिष से अमूल्य बात कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमें सपने में शिवलिंग देखना शुभ या अशुभ है। सबसे पहला हम ये जानेंगे शिवलिंग शुभ या अशुभ है। शिवलिंग अगर किसको सपने में आता है, हमें ये पूरी तरह से जानना चाहिए, अगर शिव जी का कोई भक्त है तो उनको ज़्यादातर ये सपने में आता है। अगर कोई भक्त नहीं है तभी आता है, तो उसी दिन से उनको वहां पर शिव जी का पूजा कर लेना चाहिए, स्टार्ट कर लेना चाहिए। इस कलयुग में शंकर जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। वो देवोदेव महादेव है, और उनकी अगर आशीर्वाद किसके ऊपर रहता है तो उनकी जिंदगी में कुछ भी संकट कभी भी नहीं आ सकता। हर एक इंसान की लाइफ में परेशानी तो आता ही आता है, जिंदगी है तो परेशानी है, तो परेशानी अगर है तो शंकर जी का अगर आशीर्वाद है तो उनका ऊपर परेशानी कभी उनका कुछ कर नहीं सकता। हमें देखना चाहिए शिवलिंग दो टाइप का होता है, अगर एक तो होता है काला होते हैं और दूसरा जो होते हैं सफेद। और काला शिवलिंग अगर हम देखते हैं नदी के किनारे, या गंगा नदी हो कोई भी नदी हो, उनके किनारे आकर हम शिवलिंग देखते हैं सपने में, अगर बहता हुआ पानी उनका बह जाता है तो मान लीजिए वो बहुत बड़ा शुभ माना जाता है। तो आपकी शंकर जी का असीम कृपा रहेगा, हर कार्य में आपका सिद्ध मिलेगा, जो जिंदगी में परेशानी है उसमें आपकी मुक्ति मिलेगा, तो वो दिन से संकेत आप अपना समझ लीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि शिवलिंग है गंदे से पानी में बह रहा है या गंदा कूड़ा कचरा उनके पास है, तो आप समझ जाइए आपकी जिंदगी में कुछ संकट आने वाला है। तो शंकर जी आपको संकेत देते हैं कि आपकी लाइफ में परेशानी आ सकता है, तो आप संभल के रहिए, तो ये उनके संकेत होता है। अगर मान लीजिए सफेद शिवलिंग हो, कोई पूजा करता हो, सफ़ेद चावल डालता हो, सफ़ेद धोती सफ़ेद फूल वगैरह पूजा करते हैं, सफ़ेद चंदन लगाता हो, ये सपना अगर आता है तो समझ लीजिए आपके नसीब में चारों चांद लग जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी में उसी दिन से शुरुआत आपका अच्छी हो सकता है, आपके नए कार्य में शुरुआत हो सकता है। अगर आप कोर्ट कचहरी से बहुत समस्या से घेरे हुए रहते हैं, उससे भी आपकी उद्धार हो सकता है। ये सब चीज़ों का आपका संकेत है, तो ध्यान करिए शिवलिंग देखना बहुत शुभ है। और सुबह का टाइम में देखते हैं तो काफ़ी शुभ है। तो इसके लिए आप हमारा वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और हम नए से नए वीडियो हम आपको बताते रहेंगे। हम दूसरे वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे। नमस्कार।